हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक टेक। तो आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाला है इसको, यानी ओसाका माइक को गाइस। तो अगर आपको ये लेना है और इसके बारे में आप सर्च कर रहे हो तो इस वीडियो में आपको सब कुछ यहाँ पे जानने को मिल जाएगा इस ओसाका माइक के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो ये यहाँ पर 5 मीटर की लेंथ मिलती है आपको वायर की, और एक बिल्ड माइक है गाइस, और ये 3.5 mm जैक को कनेक्ट करता है। इस माइक को आप स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, कैमरास, डिजिटल कैमरास और अपने पीसीज में यूज़ कर सकते हो। तो इन शॉर्ट आप इसे बोल सकते हो एक बिल्ड माइक है और बहुत सारे फीचर्स के साथ आता है। और इसकी वेट की बात करें तो ये सिर्फ 250 ग्राम्स का है, और यहाँ पे पूरा बिल्ड क्वालिटी है। यहाँ आपको सिर्फ 450 के आसपास में पूरा 5 मीटर की लेंथ मिलती है गाइस। और यहाँ पर एक चीज़ की आपको प्रॉब्लम आएगी, वो है आपका वीडियो शूट करते समय आप लोग सीधा वो जैक है ना वहाँ पर लगा देते हो। मैं आपको दिखाता हुआ, हालांकि पहले ही इसे मैं अनबॉक्सिंग किया था, लेकिन मुझे आपको दिखाना था कि इसमें क्या क्या मिलता है, किस प्रकार मिलता है और कैसे इसे यूज़ करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार मिलता है गाइस। तो ये अमेज़ॉन का बॉक्स, तो यहाँ पर मिलता है अपना ओसा का प्रोडक्ट, कुछ इस प्रकार मिलता है गाइस। तो इसको मैंने कुछ इस प्रकार निकाल दिया था, तो अभी मैं इसे निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे अपना बिल मिलता है, मुझे 488 रुपीज़ में पड़ा था गाइस, या अमेज़ॉन की तरफ से। वही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो अभी बिल के साथ और एक मिला है गाइस, ये ऑफिशियल वेबसाइट है उनका। यहाँ से अगर आप बाय करोगे तो ये आपको 430 रुपीज़ में मिल जाएगा, soniapoto.com। तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार मिलता है, यहाँ पे मैंने निकाला था इसलिए कुछ इस प्रकार दिख रहा है। आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा क्योंकि मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, और पीछे की जो नॉइज़ आ रही है वो मैं जो माइक यूज़ कर रहा था, आपको पहले जो वीडियो दिखाया था उसमें भी सेम टाइम पे वो नॉइज़ थी, लेकिन वहाँ पर नहीं आया क्योंकि वो माइक मैंने यूज़ किया था। कैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बैकग्राउंड नॉइस को एक कितनी अच्छी तरीके से निकाल सकता है, और बोया M1 माइक को भी टक्कर दे सकता है। और मेड इन इंडिया है तो सभी लोगों को लेनी भी चाहिए। इसे मैं निकाल दिया गया, तो कुछ इस प्रकार मिलता है। इसे हमने निकाल दिया, तो यहाँ पर आपको ये मिलती है। आपको ये यूज़ करना पड़ता है जब जब आपको वीडियो रिकॉर्डिंग यूज़ करना है आपके मोबाइल में। सब लोग क्या करते हैं, इसको निकाल कर देते हैं, 3.5 mm जैक को कनेक्ट कर देते हैं, और वहाँ पर आपको एक इश्यू आएगा वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय। वही आप रिकॉर्डिंग करते समय इसको यूज़ कर सकती हो, नॉइज़ अच्छी तरीके से आएगी, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगा, वहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा एक ओपन कैमरा को। अगर आप ये इसको यूज़ नहीं करना चाहते हो, अगर का आप घर में रखे हो और ये लीक माइक को लेके आप कहीं पे गए हो और वहाँ पर ये नहीं है, तो आपको माइक का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपके लिए वो ओपन कैमरा एक ऐप है, तो उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको साइड पे दिखा दूँगा। ओपन कैमरा को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। वहाँ से आप प्ले स्टोर में ओपन कैमरा को डाउनलोड कर सकते हो। तो मैंने उसको डाउनलोड कर दिया था। तो इसका सिंबल कुछ ऐसा है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस मेरे सामने आ गया है गाइस। तो यहाँ पे मैं सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग्स में जाने के बाद
नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वीडियो सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मैं यहाँ पे जो जो ऑन किया है वो आप लोग ऑन कर देना। तो मैंने इसको ऑन कर दिया है, रिस्टार्ट ऑन मैक्सिमम फाइल साइज, और रेडियो रिकॉर्ड ऑडियो को ऑन कर दिया है, और लॉक स्क्रीन व्हेन रिकॉर्डिंग वीडियो को ऑफ है, क्रिटिकल बैटरी चेक को ऑन कर देना है। आप माइक को यहाँ माइक को यूज़ कर सकते हो बिना एडेप्टर के इस ऐप से। उसको इंस्टॉल करने का है ओपन कैमरा को, तो कुछ इस प्रकार मिलता है। 5 मीटर की लेंथ है। गाइस माइक बैकग्राउंड नॉइज को तो अच्छी तरीके से निकाल देता है, बट वही आपके पास में ही कोई आके हथौड़ी से मार रहा है तो उसका नॉइज़ ये निकाल नहीं सकता है, थोड़ा तो नॉइज़ इसमें आ जाएगा उस तरीके से। लेकिन मेरे साइड पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, लेकिन वहाँ से भी अभी आपको थोड़ी तो आवाज़ आ रही होगी इस मोबाइल में, वही आपको इस माइक से नहीं आएगी। तो कुछ इस प्रकार है गाइस, आप इसको लेना चाहते हो ले सकते हो। आपको मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू एंड बाय बाय। अगर चैनल में नए हो तो जाके सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूले। बाय बाय गाइस।